नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यार एक और वीडियो के अंदर। ये जो गाड़ी चेक कर रहे हो ना, हो सकता है भाई आपने इसका वीडियो अभी तक YouTube पे नहीं देखा होगा। बताओ क्यों नहीं देखा होगा। आप यहाँ पे चेक करते हो, ये देख लो बोलेरो नियो N10 R कैफे। ये एक भाई लिमिटेड एडिशन मॉडल आया है इस गाड़ी का, भाई लेटेस्ट गाड़ी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है? 20 जून 2024 की। मतलब यार एक रीसेंट मॉडल है, एलॉय व्हील नहीं है। आप बहम खा जाओगे कि एलॉय व्हील इस गाड़ी का, एलॉय व्हील नहीं है भाई, ये स्टाइल्ड डिजाइंड व्हील्स हैं। बताऊं कैसे हैं? इन पे आप देख रहे हो ना, ये व्हील कवर वगैरह चढ़ा हुआ है ऐसे करके। बट यार लग बहुत क्लासी रहे हैं, बढ़िया सा फील दे रहे हैं। N10 पर बेस्ड है, ब्लैक कलर में अच्छी सी लग रही है, बढ़िया सा एक लुक दे रही है। फ्रंट के अंदर ट्विन पीक्स का लोगो, क्रोम के इंसर्ट्स, क्रोम की ग्रिल यहाँ पे चेक करते हो, ठीक है। हेक्सागोनल पैटर्न में नीचे रेडिएटर ग्रिल है। फॉग लैंप्स फ्रॉम द कंपनी महिंद्रा से लग के आ रहे हैं। ये आपका DRL है, हैलोजन हाई बीम लो बीम इंडिकेटर। ये रहा छोटू वाला बल्ब, आपको यहाँ देखने मिलता है। काफी सारा क्रोम का काम हुआ है, मतलब यार एक अच्छा सा फील, एक अच्छा सा लुक ये गाड़ी आपको देती है। दूर से जब चेक करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक लुक है भाई। ये चेक कर लो, ऐसे 4 मीटर से छोटी गाड़ी है और ये गाड़ी आपकी 7 सीटर है। 2 लोग आगे, 3 लोग पीछे और 2 लोग लाइक लास्ट की रो में आपके बैठ सकते हैं इसके अंदर। एक बार पीछे से चेक करा दूं तो वाइपर भी आपका देखने में मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे चेक करते हो वाइपर लाइक डिफॉगर रहा है, सब्लेम मेरी स्टेप नहीं। यहाँ पर है गुडियर का टायर यहाँ पे लग के मिलता है। यहाँ से ओपन करते हो एक बार, इतना ही खोलूंगा तो ये देख लो, 2 लोग पीछे बैठेंगे, 3 लोग यहाँ पे एंड 2 लोग आगे। टोटल 7 सीटर गाड़ी, 4 मीटर से छोटी। वेन्यू जितने बजट में, सोनेट जितने बजट में, या फिर कह लो भाई इसके जितने बजट के अंदर आपको एक SUV का फील मिलता है। अच्छी सी बढ़िया सी फुटस्टेप वगैरह लग के आता है पहले से ही, ठीक है ना। फ्रंट से मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे क्या चीज़ है, फॉग लैंप है, हेडलैम्प वगैरह मैंने दिखा दिया, हैलोजन है, ठीक है। साइड में आते हो, गुडियर का टायर देखने को मिलता है एंड जो टायर सेक्शन है 215/75, यहाँ पे R15 इंच का पहिया है। फ्रंट में है डिस्क, पीछे मिलता है गाइस आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक, ब्लैक कलर है, नेपोली ब्लैक बोलते हैं। पूरी क्लैडिंग लैडिंग लग के आती है, ये देख लो। अंदर से इंटीरियर हार्ड प्लास्टिक सैटिन सिल्वर, मतलब सॉफ्ट टच का कोई यूज ही नहीं है इस गाड़ी में। आपके 2 एयरबैग्स आते हैं, सीट जो है फैब्रिक अपोल्स्ट्री है। गियर वियर की भी बात करेंगे अंदर बैठ के, ऐसा कुछ लुक है। पीछे की सीट चेक कर लो, ये देख लो। रियर में कोई AC के वेंट नहीं मिलते हैं बॉस, लग्जरी की बात मत करना। महिंद्रा की एक रफ एंड टफ गाड़ी है, नाम है भाई इसका बोलेरो नियो। पहले TUV आपकी लाइक नाम से आती थी, TOV 300 के नाम से, बट वो बिकी नहीं तो नाम बदल दिया। नाम बदलने से काम बदल गया, गाड़ी बढ़िया बिकने लग गई। वाइपर वगैरह सब चीज़ से लोडेड है इसके। आपका रियर के अंदर स्पॉयलर की बात करते हो तो इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, रूफ रेल आप अलग से लगवा सकते हो फ्रॉम द कंपनी। N10 की ब्रांडिंग, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्टर है यहाँ पे, ये आपका स्टॉप लैंप है, इंडिकेटर वगैरह। बैक करोगे यहाँ लाइट जलती है। मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको दिखा दी गाड़ी का। एक बार हुड को मैं ओपन कर दूं और एक बार इंजन दिखा दूं आपको इस गाड़ी का, ठीक है ना। तो ये जो सीट है भाई, ऐसा लग रहा है मर्सिडीज की सी सीट है। बताऊं क्यों? क्योंकि ये मेरी फॉर्च्यूनर में भी ऐसी कुछ लग के नहीं आई भाई। क्या बढ़िया सा फील दे रही है यहाँ से। अभी चेक करते हो हुड को खोलना है तो भाई इंजन आपका हुड यहाँ से ओपन होता है और फ्यूल टैंक आपका यहाँ से ओपन होता है, ठीक है ना। आ जाओ तो भाई इंजन को एक बार खोलता हूँ, ये चीज़ चेक कर लो। आपके इंडिकेटर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप ही। इस गाड़ी का जो इंजन है आपका भाई, ये देख लो, 1500 cc का है एंड 100 bhp की पावर देता है, 260 Nm का टॉर्क देती है ये गाड़ी। ये देख रहे हो भाई, ABS फ्लैशिंग वगैरह, कूलेंट वगैरह, ब्रेक ऑयल, यहाँ पे कूलेंट वगैरह आपका। ये बैटरी रखी हुई, डीजल इंजन है। डैम्पिंग लग के आ रही है फ्रॉम महिंद्रा। बंद कर दो भाई ऐसे करके, एक बार में कर दो बंद। ये चीज़ आप चेक कर लो, लुक यार इतना शानदार है। एलॉय व्हील बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है डायमंड कट एलॉय है, बट एलॉय नहीं है, स्टाइल्ड व्हील्स हैं, ठीक है। बंद हो गया। फ्रंट में एंटेना वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आ जाओ भाई एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं क्या चीज़ मिलती है कैसे। फ्यूल लिड भी एक बार मैंने खोली थी ना, आपको इसकी डीजल की टंकी दिखा दूँ एक बार। तो आप इधर आते हो तो डीजल की जो टंकी है, यहाँ से आपका यूरिया और डीजल डलता है। डीजल यहाँ से है, यूरिया यहाँ से। तो भाई 50 लीटर की डीजल की टंकी है, 20 लीटर की यूरिया की टंकी है, ठीक है ना। एंड एक बार डिग्गी की बात करता हूँ, बोलेरो नियो की ब्रांडिंग। 384 लीटर्स का आपको लाइक बूट स्पेस मिलता है। 384 बहुत बड़ा बूट है। ये जो शीशे भी है ना आपके, ये भी खुल जाते हैं ऐसे करके आप लाइक इनको खोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे करके लाइक बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ मैंने आपको पूरी दिखा दी है। वाइपर वगैरह सब चीज़ पीछे भी आती है, फ्रंट में भी। अब आ जाओ एक बार अंदर बैठ के बात कर लें क्या चीज़ है कैसे है। तो एक बार बैठते हैं भाई अंदर की तरफ गाड़ी के, कैसा लुक है ना। बैठ गए, चाबी ये रही मेरे पास गाड़ी की। तो भाई गाने चल रहे हैं गाड़ी में, गाने कहाँ से कम होंगे। यहाँ से म्यूटी कर दूँ मैं साला। छोटी सी स्क्रीन है, बहुत छोटी सी, इसी को हल्का कम करते हैं। सेरिंग को करता हूँ सीधा। ये चीज़ देखना भाई, छोटी सी गाड़ी बन के भी आ रही है, डिस्टेंस टू MT वगैरह वो सब चीज़ बता रही है। टॉगल करते हैं एक बार, क्या क्या बताता है। माइलेज बता रही है यहाँ से आपका, डिस्टेंस टू MT और माइलेज, दो ही चीज़ें। इस वाले से क्या बताएगा आपका, एक बार इस वाली उंगली से करता हूँ उसको सेट। हाँ
ये देख लो स्पीडोमीटर आ गया, यहाँ से TPMS भी है गाड़ी के अंदर, वार्निंग हिस्ट्री, यहाँ से सेटिंग्स, यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी माइलेज, सही है भाई, बढ़िया से सब कहता है। और यहाँ से टायर का टेम्परेचर भी है भाई, फॉर्च्यूनर के अंदर मैंने अभी खरीदी है, मतलब 50 लाख रुपए की गाड़ी, उसके अंदर आपको टायर टेम्परेचर भी नहीं आता और टायर प्रेशर भी नहीं आता, दोनों ही चीज नहीं है इस गाड़ी में भाई, बहुत सही चीज है, मतलब बजट के हिसाब से। TPMS टेम्परेचर भी बताती है, स्टीयरिंग वगैरह चेक करते हो, नो लेदर रैट, मीडिया कंट्रोल, टेलीफोनिक कंट्रोल दे रहे हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर की बात करता हूँ रियर वाइपर फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स, इधर की बात करता हूँ तो हेडलैम्प और फॉग लैम्प के कंट्रोल्स, यहाँ से डोर को खोलता हूँ हल्का सा तो ये चीज चेक कर लो। ESS होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, यहाँ पे चेक करते हो कोई बटन है फ्रंट डिफॉगर का, इको मोड, हेडलाइट लेवलर, ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डिंग नहीं है, फोल्ड आपको हाथ से ही खींच के करने पड़ेंगे मगर एडजस्ट आप अंदर से कर सकते हो। ये सैटिन का फील है, यहाँ पे पियानो ब्लैक कुछ कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही है ठीक है। बॉटल होल्डर भी डोर के पल्ले में यहाँ कटा हुआ है, इसमें बॉटल घुसेड़ दो अपनी। यहाँ पे मैनुअल AC वगैरह, AC इको, USB लाइक येरा ऑक्स येरा 12 वोल्ट का चेंज होकर, चारों पावर विंडो, 3-4 कप होल्डर दे दिए, चाबी फाबी यहाँ रख लो कोई दिक्कत नहीं है, 5 गियर हैं, 1 रिवर्स है। और ये गियर देखना भाई, ये कैसा गियर है, पूरा हिलता है, मतलब ठीक है भाई, थोड़ा सा ना वैसा एक फील, रॉ वाला फील है, लग्जरी की तो कोई बात ही मत करो कैरस के अंदर, तो ये न्यूट्रल के अंदर है गाड़ी आपकी। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक है और हैंड ब्रेक पे भाई देखो क्रोम की टिप दी है भैया, रोला पूरा देगी यहाँ से क्रोम की टिप से। मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर, पीला कलर का लैम्प, माइक्रोफोन यहाँ पर है, बात बात करनी हो टेलीफोन पे, टिकट होल्डर यहाँ पर देखने को मिलता है, इधर की बात करता हूँ तो मिरर देखने को मिलता है। यहाँ से खोलते हैं इसको, देखना कोई सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, खड़ाक से खुल जाता है ऐसे। तो भाई इसके पुस्तिका पुस्तिका रखी है, एमरोन की बैटरी की छोटी सी टच स्क्रीन है, मतलब शर्म आनी चाहिए, ये एक उंगली के नाप की टच स्क्रीन है और चौड़ाई की बात कर लूँ तो भैया हाथ जितनी बड़ी है बस, क्या ही फीडबैक देगी। ये केनवुड की स्क्रीन है, केनवुड कोई पूछता भी नहीं है आज के समय के अंदर, दोनों भाई फ्रंट में आर्मरेस्ट आते हैं, ऐसे आगे यहाँ से खिसका लो इसको, आगे यहाँ से खिसका लो, व्हाइट कलर का पूरा फैब्रिक है, इनपे पन्नी है भाई, बताऊँ क्यों है ये, क्योंकि ड्राइवर वगैरह चलाते हैं ना गाड़ियों को ट्रक से उतारने में, तो सीट पन्नी वन्नी गंदी ना हो और ये फटे मटे ना, कपड़े से क्या है वो एब्जॉर्ब वगैरह कर लेगा, तो वो चीज़ है, बढ़िया चीज़ लगी मुझे तो यार ये। बाकी तो भाई पीछे एक बार चल के इंटीरियर चेक कराया था मैं आपको, ये चीज़ तो फ्रंट फ्रंट की बात है, हवा को बंद कर रहा है, यहाँ से खींच दो इसे घुमा के, AC बंद हो जाएगा। यहाँ से एक बार निकालता हूँ चाबी, ये चीज़ देख लो, चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है ठीक है। तो भाई यही सब है भाई इसके यहाँ फ्रंट में, तो कोई ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, लग्जरी की तो बात ही मत करो, मगर ये आर कैफे वाला मॉडल है ठीक है ना, ये फ्रंट की तरफ से देखोगे ना, लाइक यहाँ से छुटाऊंगा इसको, यहाँ से करके ऐसे करके देखते हो तो ये देख लो, बोलेरो नियो N10 आर कैफे ये सब लिख रहा है आपका ठीक है ना। इसको यहाँ पे रख देते हैं भाई, आ जाओ भाई एक बार मैं आपको दिखाता हूँ साइड से और पीछे से और दिखा दूँ एक बार। तो मोटी मोटी बातचीत तो हमने भाई पूरी कर ली है इसकी, पीछे की सीट आपकी यहाँ से खुलती है, डोर का पल्ला भाई वेटेड मतलब ठीक ठीक फील हो रहा है, पॉट होल्डर वगैरह यहाँ पर है, यहाँ पे आपके स्कफ प्लेट ऐसी फिक्स वाली स्कफ प्लेट है, फैब्रिक की अपोल्स्ट्री है, बीच के अंदर आपका यहाँ पे आर्मरेस्ट है, यहाँ पे AC के वेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलते हैं पकड़ने के लिए पीछे ही पकड़ने के लिए, पीले कलर का लैम्प एक यहाँ पर है, ठीक सा हिसाब किताब है, मतलब यार बढ़िया तो लगती है, बट सेल वेल वाइज इतनी कोई खास सेल्स नहीं है, बिकॉज आदमी फिर जब कहता है यार 12-13 लाख इसमें डाल रहा हूँ, थोड़े से पैसे बढ़ा के यार प्रीमियम गाड़ी कौन सी, प्रीमियम गाड़ी आपकी भाई ये खड़ी है वो खड़ी है, या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ आदमी मूव कर जाता है। मोटी मोटी बात कर ली, कैसी लगी आपको भाई बोलेरो N10 आर कैफे ब्लैक कलर नेपोली के अंदर, मिलता हूँ भाइयों अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।